राधे राधे जी बाबा की। आज मैं आपको ये कुशन कवर बनाना बताऊंगी, जो कि मैंने दो कलर से बनाया है, बहुत सिंपल है। प्लीज मेरी वीडियो को देखने से पहले अगर नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें। ये कुशन मैंने 16x16 का बनाया है, ये इस तरह से बनाया है। इस कुशन कवर को बनाने के लिए दो कलर का कॉटन का फैब्रिक लिया है, एक ग्रीन और एक पिंक। ये बहुत ही सिंपल है और ब्यूटीफुल है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। मेरे पास 16x16 का है कुशन, तो मैंने इसको एक इंची सिलाई में जाने के लिए 17x17 लिया है। दोनों पीस सेम साइज के हैं। ये पिंक और ग्रीन दोनों कपड़े मैंने बराबर से रखे हैं। अब इनको हाफ हाफ काटना है, उसके लिए मैं स्केल और चौक से निशान लगाती हूँ। निशान लगा के ये बराबर बराबर काट लें। ये दोनों बराबर काट लेने के बाद एक पिंक और एक ग्रीन, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों को मैं सिल लेती हूँ। ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे और ही रहेंगे, ज़्यादा टाइट लेने से खिंच जाएगा, तो इनको मैं सुबह सुबह और थोड़ा लूज लूज ही सिलूँ। ये दोनों पार्ट सिले हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों पार्टों को रख के बराबर पहले मैं इनको इक्वल कर लेती हूँ। ये दोनों पार्ट मैंने सिल के और इक्वल कर लिए हैं।
ये दोनों पार्ट सिल के कल हो गए हैं, इनको एक बार फिर से काटते हैं। पहले मैं निशान लगाऊंगी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इन दोनों पार्टों में से पिंक के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर पिंक दोनों को मैंने सेट कर लिया है। अब यहां से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से ये पार्ट पूरा सिल गया है। इसमें सिलाई में ये कॉर्नर का ध्यान देना है कि कॉर्नर इधर उधर ना हो। मेरे ये दोनों पार्ट सिल गए हैं। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने पीछे का पार्ट बनाया हुआ है। पीछे का पार्ट जो कि हमने बड़ा लिया था जिससे कि उसमें कुशन को डाल सके, मैं इस तरह से इसको बिछा लूंगी। इनको दोनों को ही उल्टा बिछाना है, आगे वाला पार्ट भी और पीछे वाला पार्ट भी। फिर इसको चारों तरफ से सिल देते हैं। ये सिल के मैंने चढ़ा दिया है और सिल के इस तरह से तैयार हुआ है। मैंने ये छोटा सा फ्लावर भी लगा दिया है और उसके ऊपर एक मोती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।